अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम तनवीर हुसैन एंड यू आर वाचिंग डैश कैंपस यूट्यूब चैनल। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स चैप्टर 3 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है और आज हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं Q1, Q3, D6 एंड P42। स्टूडेंट इनके बारे में क्या है, Q1 क्वार्टाइल्स होता है, Q की सारी वैल्यू और D6 डेसिमल होता है और जो है P ये परसेंटेज होता है। इसमें भी स्टूडेंट ये बिल्कुल एज इट इज़, जैसे मीडियन को हमने कैलकुलेट किया है अनग्रुप डाटा के लिए ये वैसे ही होता है, लेकिन इसमें फार्मूला थोड़ा सा चेंज होता है, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। पहले इसमें भी डाटा को अरेंज कर लिया, ये डाटा को अरेंज कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में। अब हम क्या करते हैं कि इसका Q1 लिखते हैं। पहले देखें कि जो मीडियन का फार्मूला था अनग्रुप डाटा के लिए वो क्या था। पहले इसकी जो तादाद है वो लिख लेते हैं कि n है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आ जाता है। n इक्वल टू कितना आ गया, 10। अब स्टूडेंट जो मीडियन का फार्मूला था वो क्या था, हम सिंपल जो इसका फार्मूला है और नंबर वाला वही लेना है कि वो था कि n+1/2 और यहाँ पर लिखा हुआ था TH ऑब्जर्वेशन। यही फार्मूला होता है। अब इसी क्वेश्चन को जब हम इसी फार्मूले को जो है वो Q1 में तब्दील करेंगे तो जो यहाँ पर 2 है इसकी जगह पर क्वार्टर से क्या आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो Q1 का फार्मूला बन जाएगा कि Q1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, n+1/4 और यहाँ पर क्या आ जाएगा TH वैल्यू। अब स्टूडेंट क्या करना है कि n की वैल्यू कितनी है, वो 10 है तो यहाँ पे 10 लिखेंगे, 10+1/4 TH वैल्यू। जैसे स्टूडेंट इसको हम कैलकुलेटर पे हल करते हैं, जैसे स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि हमारे पास 10 और 1 11 डिवाइडेड बाय जो है ये 4, तो आंसर आ जाता है 2.75 आ जाता है और ये TH वैल्यू अभी 7 है। अगर तो यहाँ पे स्टूडेंट कोई एक मुकम्मल वैल्यू आ जाती तो हम उसको ऑब्जर्वेशन में से जो है ये ऑब्जर्व कर लेते और आंसर बता देते जैसा कि हम मीडियन में करते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा से इसका एक स्टेप और आ जाता है। वो क्या आ जाता है, यहाँ पर लिखना है ये वाली वैल्यू, ये सेकेंड TH वैल्यू और इसके साथ जो है यहाँ पर लिखना है प्लस जो भी पॉइंट के बाद दूसरी वैल्यू आ जाएगी 0.75 × अगर यहाँ पर सेकंड वैल्यू है तो यहाँ पर पहले हम लिखेंगे थर्ड वैल्यू माइनस, फिर उसमें से सेकंड वैल्यू जो है ये माइनस करेंगे। अब इसको हल कर लेते हैं, सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या है, सेकंड वैल्यू हमारे पास है 38 प्लस जो है 0.75 × थर्ड वैल्यू क्या है 43 माइनस सेकंड वैल्यू क्या है 38, तो आ गया 38+0.75। इसको माइनस करके लिख लेते हैं और इसका जो है आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 38+0.75 को 5 से मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। जैसे 0.7 को जो है 75 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आ जाता है 3.75। अब स्टूडेंट ये वैल्यू जो है इसमें 38 ऐड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 41.75, तो ये हमारे पास Q1 आ जाता है। अब हम मालूम करते हैं Q3 कैसे। Q3 का जो फार्मूला है ये मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे अब Q3 का फार्मूला लिखने लगे हैं। Q3 बराबर आता है 3n
थ्री इंटू एन प्लस वन ओवर फोर टी एच वैल्यू। फ्रेंड अब जैसे ही क्यू वन के बाद हम जो भी वैल्यू लिखेंगे, तो यहाँ पर जो क्यू वन टू है, क्यू थ्री है, क्यू फाइव है, क्यू सेवन है, तो उस इसी फार्मूले को जो है उस नंबर से, जितना थ्री है तो यहाँ पे थ्री से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आगे सारा फार्मूला जो है इसका भी सेम ही आ जाता है। तो यहाँ पर जो है ये क्या आ जाएगा, सबसे पहले ये थ्री वैसे लिखा जाएगा, एन की वैल्यू टेन प्लस वन डिवाइडेड बाय फोर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा टी एच वैल्यू। अब स्टूडेंट इसको ऐड करके, तो जो थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को ऐड करेंगे, तो और इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2.75 आ जाएगा, थ्री इंटू 2.75 और यहाँ पर टी एच वैल्यू 2.75 को जब थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 8.25, 8.25 टी एच वैल्यू। फ्रेंड यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, फिर पॉइंट में वैल्यू आई है, तो हमने यही वाला जो स्टेप है वो यहाँ पर भी इसको रिपीट करना है। वो क्या कि पहले जो भी पॉइंट से पहली वाली वैल्यू है उसको लिख लेना है, यानी कि एट वैल्यू प्लस 0.25 इंटू इससे नेक्स्ट वैल्यू कितनी है, कौन सी आ जाएगी, नाइन्थ वैल्यू आ जाएगी, माइनस फिर जो है एट वैल्यू। अब इनके अंदर जो वो वैल्यू थी उनको लिख लेते हैं। तो जो एट वैल्यू है वो कितनी है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, एट वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है, 52 आ जाती है, प्लस 0.25। और जो नाइन्थ वैल्यू आ जाती है वो कितनी आ जाती है, 55 माइनस जो है फिर एट वैल्यू 52, इसको हल करके 52 प्लस 0.25 और इसको ऐड करते हैं तो ये क्या आ जाता है, थ्री आ जाता है। और जैसे इस थ्री को 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 52 प्लस ये क्या आ जाएगा, 0.75 आ जाएगा। तो ये 52.75 हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू थ्री आ जाएगा। अब हमने जो है क्यू थ्री के बाद जो है वो डी सिक्स मालूम करना था, डी डेसिमल से आ जाएगा, सेम सारा फार्मूला होगा इसी की तरह, लेकिन यहाँ पर फोर से डिवाइड होने की बजाय क्या आ जाएगा, टेन आ जाएगा। यहाँ पर उसको करते हैं, यहाँ पे पहले जो है वो डी सिक्स का फार्मूला लिख लेते हैं कि डी सिक्स किसके बराबर आ जाता है। डी सिक्स बराबर आ जाता है एन प्लस वन ओवर टेन टी एच वैल्यू, और यहाँ पे क्या स्टूडेंट बताया था कि जो भी नंबर होगा वो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा सिक्स। अब स्टूडेंट यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं, सिक्स इंटू एन की वैल्यू कितनी है, टेन प्लस वन और जो है ये डिवाइडेड बाय टेन। तो जैसे इसको हल करते हैं, सिक्स इंटू टेन और वन अलेवन डिवाइडेड बाय टेन, और ये टी एच वैल्यू सात आता जा रहा। ये उस वक्त तक लिखना है जब तक हम वैल्यू को ऑब्जर्व करके नहीं लिख लेते। अलेवन और सिक्सटी जो है, जैसे हम इसको जो है वो डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, 66 डिवाइडेड बाय 10 और ये टी एच वैल्यू आ जाएगा। तो स्टूडेंट इसका जो आंसर है, यहाँ पर मैं ये लाइन लगा रहा हूँ, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये 6.6 टी एच वैल्यू आ जाएगी। इसको भी स्टूडेंट वैसे ही हल करना है कि पहले सिक्स वैल्यू प्लस 0.6 इंटू सेवन्थ वैल्यू माइनस फिर सिक्स वैल्यू। अब इसके अंदर जो था वो तमाम वैल्यू ऑब्जर्व करके लिख लेनी है। सिक्स वैल्यू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स वैल्यू हमारे पास कितनी है, 49 आ जाती है। तो यहाँ पे 49 लिख लेते हैं, 49 प्लस 0.6, सेवन्थ वैल्यू कितनी है, 49 के बाद जो है ये 50 आ जाती है सेवन्थ वैल्यू। तो यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, 50 माइनस 49, 49 प्लस 0.6, 50
50 माइनस 49 जो है ये 1 आ जाएगा। तो 49 0.6 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो है आंसर आ जाएगा 0.6 ही आ जाएगा। तो इसको 49 में ऐड करेंगे तो 49.6 आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट हमारे पास जो है ये आ जाता है D6 आ जाता है। अब जो हमने मालूम करना है वो है P45। तो यहाँ पर जो है ये मैं वो लिख देता हूँ, आप जो है वो उसको ट्राई करेंगे। फार्मूला है P1 का के जो है P42 का, P42 बराबर आ जाएगा N+1/P, परसेंटेज से होता है तो डिवाइडेड बाय 100 करते हैं और यहाँ पर TH वैल्यू आ जाती है और यहाँ पर क्या आ जाएगा 42 आ जाएगा। अब स्टूडेंट क्या करना है कि जैसे n की वैल्यू 42 इंटू 10+1 डिवाइडेड बाय 100 और यहाँ पर TH वैल्यू आ जाएगी। स्टूडेंट सेम इसी तरीके से इन तीनों स्टेप्स के जरिए आ जाएगा, बस क्या होगा यहाँ पर डिवाइडेड बाय 100 होगा और इसके मुताबिक आप इसको सॉल्व कर लेंगे। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर लेंगे।